एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक मिनट, साइलेंस प्लीज, एक मिनट, आइए। यार ये डॉक्टर कम एक्टर ज्यादा लग रहा है। पानी। अरे पानी दो प्लीज। पानी लाओ, पानी दो इनको कोई। Are you okay, डॉक्टर? जिसका काम नहीं बाहर जाइए प्लीज। अब प्लीज जिसका काम नहीं है वो बाहर जाइए प्लीज प्लीज। थैंक यू। एक चेयर चाहिए मुझे। सीधा चेयर। जाने कब हम दोनों। ये इतना सब पहन रखा है, पल्स कैसे देखूं मैं? सहरा तू समंदर, मैं फिर भी हूँ, हम कैसे मिल गए? कहाँ तुम, रब से मांगू तुझे हर दम। कहाँ ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, बीपी चेक करना होगा। हाँ हाँ एक मिनट श्रीधर, वो प्रोडक्शन पेटी में अपना बीपी चेक करने का बॉक्स है ना, वो लेकर आ। हाँ यस मैम। ओके ना। बीपी लो है। अब अरे होश में आ गई ना, बस डॉक्टर है। थकान और डिहाइड्रेशन से आपका बीपी लो हो गया है, इसीलिए फेंट हो गई। लिक्विड ज्यादा लीजिए, जूसेस, ग्लूकोज। मैं एक दवाई लिख देता हूँ, कोई पेपर है? दो बार ले लीजिएगा। क्या ले? एक मिनट, मैं ये मेडिसिन नहीं ले सकती। क्यों? आप डॉक्टर हैं ना? हार्ट सर्जन। एक ही बात है, आपको पता होनी चाहिए इसके साइड इफेक्ट्स, स्किन एलर्जी। मैंने इंटरनेट पे देखा था, मैं नहीं ले सकती। अच्छा, तो आप डॉक्टर इंटरनेट को बुला लीजिए अपना इलाज करने के लिए। अरे अजीब इंसान है, मेडिसिन भी तो बदल सकता था। मैडम ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मिस्टर रोहित सिप्पी। आज फ्रंट पेज पे अखबार में इनका फोटो भी छपा है। क्या खाक बड़ा डॉक्टर है, मैं तो बोलती हूँ इसको डिग्री किसने दी? मतलब एक दवाई का साइड इफेक्ट नहीं पता, खड़ूस कहीं का। सोना काम डाउन, यू वांट टू हैव जूस? श्रीधर जूस, जूस भी तो लिख के दे सकते। ओके इग्नोर इग्नोर। Over smart actors. रवि कहाँ हो? सर बस गाड़ी के पास ही था, चाय पी रहा था सर। ओ चाय पी रहे हो, आराम से पी लो, नाश्ता वाश्ता कर लो। सॉरी सर। इट्स योर यूनिफॉर्म, उसे ही दे दो, उसे रख लेते हैं। सॉरी सर। सॉरी नहीं, ये हटाओ, निकलेंगे कैसे? जी सर। अरे कोई है? अरे रे रे रे, इजी इजी, क्या कर रहे हो यार? सॉरी सर।
मधुबाला जी, बेल नहीं सुनाई दी तुझे? जब देखो तब आईने के सामने खड़ी होती है। हे भगवान, मेरी शोना, क्या हो गया मेरी बच्ची, तू बेहोश कैसे हो गई? आ, अब हटना बीच में से, कुर्सी निकाल, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ। अरे पानी दे इसे, ये ना सब राहु काल में शूटिंग शुरू की होगी ना, तभी ये सब हुआ। आप मेरी बच्ची से इतना काम करवाएंगी तो वो बेहोशी होगी ना। अरे मेरी बच्ची और बहुत कुछ करती है, अकेला उसके पास शूटिंग, प्रोमोज, ये फलाना डिमका, यही सब करवाती रहेगी। अब ना मेरी बच्ची 12 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे काम करेगी। और अब काम की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने भी आपने 23 दिन का काम करवा के चेक सिर्फ 21 दिन का दिया था। हाँ, अब क्या बात कहाँ कर रहे हो? नेत्रा जी ने कहा था ना कि वो इस मंथ के चेक में इंक्लूड करके दे देंगी, तो वो दे देंगी। और रही बात मेरी तबीयत की, तो देखो मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा लो बीपी हो गया था, दैट्स इट। तो इससे सिर्फ नो, सोना आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। कितना काम करवाती हूँ मैं तुमसे, चैनल का सारा प्रेशर तो तुम पर डाल देती हूँ मैं। मैं तुम्हें एक दिन की शूटिंग का 125,000 रुपए दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मशीन हो। मैं आती हूँ। सोना, आई हैव एन आइडिया, मैं रोम जा रही हूँ, व्हाई डोंट यू कम विद मी? अरे 10 दिन का ब्रेक मिलेगा तो यू विल फील फ्रेश। और पैसों का क्या है, हेल्थ से बढ़कर थोड़े ही है ना। मैं टिकट बुक करा लेती हूँ। 10 दिन की छुट्टी मतलब 12.5 लाख का नुकसान, और रोम मतलब एड्स और ओपनिंग्स भी नहीं, मतलब 5 लाख गए। नेत्रा जी, आप टिकट मत बुक करिए। देखिए, मेरी बच्ची घर पर ही आराम कर लेगी और मेरी आंखों के सामने रहेगी, और आज रात पूरे अच्छे से सोएगी ना, तो देखेगा कल सुबह सेट पे आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। आप उसे सिर्फ कॉल टाइम लेट दीजिएगा। ओके। और तू ना आज रात को जल्दी से सो जाना, एक रात को फैंस के साथ चैट नहीं करेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। फिक्र के मारे नींद उड़ गई थी मेरी, स्टार मॉम हो तो ऐसी। सोना, वाओ, नींबू पानी, वो नमक वाला है, लो पीपी में फायदा करेगा ना? अरे तुम नींबू पानी पी ही रही हो तो उसके साथ डॉक्टर की दवाई भी ले लो। ओह मैडम, पानी। थैंक यू, बहुत लेट हो गया, आई लीव। और जैसा मम्मी ने कहा है, गो टू स्लीप, और कल सेट पे देर से आना। ओके, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।